नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त धूपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ रोजगार की एक और नई वीडियो। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से पहले भी आप लोगों को मैं सक्सेस स्टोरी दिखाया था, ज्योतिक राम जी है और ये इनके यहाँ मैं दोबारा आया हूँ। इनके थ्रू एक और हमारे कस्टमर है, उनके यहाँ जो मशीनें लगी है तो उनकी भी बहुत अच्छी चल रही थी, तो उसलिए भी मैं आया। तो मैं इनसे भी सोचा कि हाल समाचार पूछता चलूं, कैसा हमारा मशीन चल रहा है, कितना सक्सेस है इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी ठीक है। पहले तो जहां भी जाते हैं तो पहले अपने बारे में हम शिकायत सुनना चाहते हैं, क्या हमारे में शिकायत है सो बताइए। बेमतलबी लोग होते हैं जब किसी और का शिकायत करते हैं। बराबर। तो हमारा एक ऐसा मित्रता हो गया है इनसे कि समझ लीजिए कि मशीन तो चले ना चले अलग की बात है, लेकिन हमें लगता है कि 5-7 दिन में एक बार बात हम लोग की होती जरूर जी होती है ना। 5-7 दिन में आपके थ्रू यहाँ पे कई सारी मशीनें भी आई है जी, है ना। आई हमारे कंपनी से और भी बहुत सारे लोग इनके माध्यम से जुड़ करके मशीनें लाए हैं। अगली वीडियो में मैं उनका भी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ज्योति जी खुद जो हमें वहाँ लेके जाने वाले हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो इस एरिया से लोग बिलोंग कर रहे हैं ना, उनको ये सपोर्ट भी बहुत करते हैं, उन लोगों को भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा है, ज्योति जी उनको बोले और खुद जाके चला के वीडियो चला के हमको भेज दिए। तो ये एक जो सपोर्ट मिलता है आप लोग भारत मशीनरी को देते हैं, ये बहुत अच्छा है सर, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपको ये बताइए कि जैसा कभी लगा कि हाँ अगर उनसे हमें सपोर्ट की जरूरत होती है तो अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं? ना, ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बात नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी इसी पे चलती है, आप लोग प्यार देते हैं तो भी हम लोग प्यार करते हैं जी। दूसरा चीज है कि अभी तक कैसा चल रहा है पलवलाइजर इतने दिन? मशीन सही चल रहा है, थोड़ा बीच में हम परेशान हो गए थे, कमी मेरा ही था। खुद्दी अच्छा चावल इसमें पीसने का टाइम है, खुद्दी क्या होता है थोड़ा पकड़ता है, अच्छा ज्यादा लोड दीजिएगा तो पकड़ता है। लोड इतना हो गया था लगभग 40 के लगभग, देखे देखते मीटर मार दिया, तोड़ दिया मीटर, ठीक है। उससे वेल्डिंग वेल्डिंग करवाए हैं तो आगे हम अपना हिसाब से जो ना टूटे, लोड भी पड़े तो वो ना टूटे, उसके लिए हम बैरिंग लगवाए। ओके। दूसरा चीज एक बात बताइए ज्योति जी, आप अभी बता रहे थे कि सुबह में आप लगभग 80-85 kg का गेहूँ पीसे थे। पीसे कितना पिसाई किए थे? लगभग 85 किलो। 85 आज सुबह में? आज सुबह में। और उसमें कितना देर समय लगा था? 41 से 40 मिनट। 41 से 40 मिनट में 85 किलो गेहूं पीस दिया, मतलब लगभग 120 kg के आसपास आराम से। उसमें आपने बता रहे थे कि आप मीटर भी चेक किए थे, कितना बिजली बिल उसमें था? इसमें इस टाइम मैंने हम जब चालू करने का समय हम चेक किए हैं तो 53 यूनिट था, 53 यूनिट, 1053 यूनिट, 1053। हाँ, बंद करने का टाइम में 1056 यूनिट, 1056 यूनिट। तो 3 यूनिट आपको 85 किलो में लगा। 85 किलो गेहूँ का पिसाई कितना हुआ? पिसाई हो गया आपका, अब 2 रुपये जोड़ लीजिए, 160 रुपया, 170 रुपया, 170 रुपया। और कितना खर्चा आया होगा 10 यूनिट का, 3 यूनिट का? 3 यूनिट का मान लें 8 रुपये से चल रहा है, लेकिन 30 रुपया गया और 160 रुपया आया, मतलब 130 रुपया 40 मिनट में आपका कमाई हुआ। तो बताइए कि मैंने अगर थोड़ा बहुत मेहनत करके गांव में अपने घर समाज में रहते हुए अगर घंटे में भी नहीं 40 मिनट में, अगर घंटे का कहेंगे तो लगभग 200 रुपये तो कमाया जा सकता है घंटा में, घंटा में 200 रुपये तक कमाया जा सकता है, 200 रुपये कमाया जा सकता है, तो कहाँ से बुरा है? मान लीजिए पूरे दिन की मजदूरी सर होती है 350 रुपया, 200 नहीं हम बता रहे हैं, लगभग 180 रुपया, 180 रुपया डेली 2-3 घंटा चलेगा चक्की की? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा 3 घंटा भी। अब 2 घंटा नहीं चले चक्की तो फिर चक्की चलाना बेकार है, बेकार है। हम मिनिमम 2 घंटा मानते हैं तभी भी लगभग 400 रुपया होता है। एक मजदूर जो है किसी के यहाँ दिन भर मजदूरी करता है तो 350 रुपया मिलता है सर, काहे मजदूरी करेंगे हम, काहे नहीं अपना व्यापार करेंगे, अपना व्यापार करेंगे, सही बात है। उसके बाद से आपके पास मसाला का भी सपोर्ट है, कभी कभी मसाला मशीन भी चला लीजिएगा, मसाला डेली 5 किलो 7 किलो ऐसे 10 किलो पिसाता है, 10 किलो पिसाया मसाला, तो मसाला तो महंगा पिसाता है, मसाला 12 रुपए पिसता, 12 रुपए पिसाते हैं, उसमें बिजली बिल कम गिरेगा, बिजली बिल है ना। तो समझिए कि कमाई अगर चाहे, अगर मन से और अच्छा इलाका हो जहाँ गेहूँ जुटे मसाला जुटे तो कमाई हो सकता है। बहुत लोग जो है ऐसे कि अगर चिल्लाते हैं कि हमें रोजगार नहीं है, हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आपको रोजगार जो है और एम्प्लॉयमेंट खुद से जनरेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप समाज से भी रह चुके हैं तो ये तो समझिए कि आपके लिए बरप्पन ही है, कहीं कहीं कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बाकी लास्ट में बताइए कि भारत मशीनरी से अगर कोई लोग जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं, 100% जुड़ सकते हैं। चलिए, अब आपके यहाँ हमारा एक और मशीन आएगा जो हम प्लान किए हैं, वो आप नहीं डालेंगे, मैं भेजूंगा आपके यहाँ, ठीक, इस आपके गाँव समाज में तरक्की के लिए, है ना, वो मशीन मैं आपके वहाँ भेजूंगा,
जो मैं प्लान कर रखा हूँ कि सब जगह जहाँ हमारे पुराने कस्टमर हैं उनके यहाँ वो मशीनें वो चलेगा बिजनेस, उसके बाद जो है उसका पैसा पेमेंट करना है, ऐसा मैं प्लान ला रहा हूँ, उसमें जो है आपको भागीदार जरूर बनाया जाएगा। ठीक है सर। दोस्तों अगर आप भी मशीन लगाना चाहते हैं ज्योतिराम जी की तरह, तो आप जो है भारत मशीनरी से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके अपनी मशीनें मंगा सकते हैं। दूसरा एक थोड़ा सा आप एक बार स्टार्ट करके जरूर दिखा दीजिए, सो दैट कि लोगों को ये ना लगे कि उनका मशीन अभी बंद है, खाली ऑन करिए। देखिए कितना सिंपल है इनका मशीन ऑन करना, बस ईजिली जो है मशीन ऑन हो गया। चूँकि अभी यहाँ पर गेहूँ नहीं था इसलिए मैं गेहूँ डाल के नहीं पिसवा रहा हूँ, एकदम लो वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है, साउंड भी बहुत नॉर्मल है, एक फीट की दूरी पे हम खड़े हैं मशीन से, फिर भी बहुत सही साउंड आ रहा है। बंद कर दीजिए। दोस्तों अगर आप भी लगाना चाहते हैं इस मशीन को तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, भारत मशीन जो बिहार के वैशाली जिले महुआ में लोकेटेड है, यहाँ से आप पूरे ऑल इंडिया से मशीनें मंगा सकते हैं। मात्र 20% अमाउंट ही आपको जमा कराना है और बाकी के अमाउंट आपके घर पहुँचने के बाद देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।